Hello everyone, welcome to SRVPS online classes. So we are back with the next topic of chapter 4, that is story sums. So today we will be learning some things about story sums. What are story sums? Again, as I have told you in previous classes, there would be a story given or a statement given to you and you have to solve it. You have to find the solution. So these are known as story sums. So let's read one story and find some solution for it. So the story goes like, the price of one pencil box is rupees 48. One pencil box ka price kitna hai? 48 rupees. Find out the price of 250 such pencil box. Ek pencil box ka price diya aur hume 250 pencil box ka nikalna hai. So students, remember in this in mind, jab bhi hume one ka diya ho aur more ka find out karna ho. जैसे कि यहाँ पे वन पेंसिल बॉक्स का दिया हुआ है और 250 पेंसिल बॉक्स का फाइंड आउट करना है, तो वन चीज का आंसर दिया हो और मोर का फाइंड आउट करना हो, इन दैट केस वी ऑलवेज डू मल्टीप्लाई. ऑल्सो वन मोर ट्रिक इज देयर, वेन एवर द स्टेटमेंट इज टॉकिंग अबाउट वन, लाइक इट्स टॉकिंग अबाउट वन पेंसिल बॉक्स. सो जब भी वन आता है, अ आता है, वन आता है, यूनिट आता है, दीज ऑल वर्ड्स सिग्निफाइज कि इन दिस क्वेश्चन इधर देर वुड बी मल्टीप्लाई और डिवाइड, एंड वॉट विल बी देयर मल्टीप्लाई और डिवाइड विल डिपेंड ऑन द सिचुएशन, मीन्स वी हैव टू रीड द क्वेश्चन ट्वाइस फॉर दैट. सो क्योंकि यहाँ वन की बात हो रही थी तो या तो मल्टीप्लाई होगा या डिवाइड, बट जब भी वन का दिया होता है और ज्यादा का निकालना होता है, वी ऑलवेज डू मल्टीप्लाई. सो आई स्टार्टेड लाइक दिस, एंड स्टेटमेंट्स आर द इजिएस्ट पार्ट. डोंट कंफ्यूज योर सेल्फ विद स्टेटमेंट्स. एवरी लाइन हैज वन स्टेटमेंट हिडन इन इट. जैसे कि द प्राइस ऑफ वन पेंसिल बॉक्स इज रुपीज दिस, सो वी विल रिमूव द सिंपल वर्ड्स विच आर नॉट नेसेसरी. जैसे द, सो वी हैव लेफ्ट इट प्राइस ऑफ वन पेंसिल बॉक्स. सिंपल स्टेटमेंट फ्रॉम हेयर वी हैव पिक्ड. देखो सेम वर्ड्स हमने ले लिए हैं, रुपीज इज 48. देन फ्रॉम नेक्स्ट लाइन फाइंड आउट द विच इज नॉट रिक्वायर्ड. Then what we have taken, price of 250, such is not required here, pencil box, simple words हम pick करते हैं, price of 250, pencil box, कितने simple statement थी, क्योंकि हमें वन का दिया हुआ है और ज्यादा का निकालना है, तो अभी हम इन दोनों numbers को multiply करेंगे. Why only these two numbers, why not one, क्योंकि वन की तो कोई value नहीं है यहाँ पे, वन को किसी भी number से multiply करोगे answer would be same number. That's why we will multiply these two numbers now. क्योंकि 250 का पूछा है और 1 का given है. So 250 into 48. So let's multiply and see what is the answer here. So see, 8 into 0, 0. 8 5s are 40. 0 here, 4 carry. 8 2s are 16 plus 4, 20. One line done, now a sign of multiply. 4 into 0, 0. 4 5s are 20. 0 here, 2 carry. 4 2s are 8 plus 2, 10. Now add these. 0, 0, 0, 2, 0. Sorry, 1. So my answer here is 12,000. So what is the cost of 250 pencil box? It's rupees 12,000. So simply we can solve in side or downside and write the answer. Let's look at next question. 86 bags of sand are needed to build a room. See the keyword. Again, a room is given means it's talking about one thing. One ka hame already de diya inhone. 86 bags of sand. Sand ke 86 bags hame chahiye. Needed means chahiye to build. बनाने के लिए क्या, एक रूम. सो एक रूम की बात कर रहे हैं ना. नाउ लेट्स रीड नेक्स्ट लाइन. हाउ मेनी बैग्स ऑफ सैंड आर नीडेड टू बिल्ड 2,967 सच रूम्स. एक बैग का दिया हुआ है और हमें 2,967 बैग्स का फाइंड आउट करना है. सो आई हैव टोल्ड यू सिचुएशन, जब वन का दिया होता है और मोर का निकालना होता है, वी ऑलवेज डू मल्टीप्लाई. सो लेट्स मेक स्टेटमेंट. फर्स्ट स्टेटमेंट हमें मिलेगी फर्स्ट लाइन से. सिंपल, आप हमें इसे पढ़ के क्या पता लग रहा है, बैग्स चाहिए एक रूम को बनाने के लिए. सो बैग्स नीडेड टू बिल्ड वन रूम, सिंपल स्टेटमेंट 86. नेक्स्ट लाइन, बैग्स नीडेड टू बिल्ड 2,967 रूम्स. टू 2,967 को 86 से मल्टीप्लाई. सो लेट्स डू मल्टीप्लीकेशन हियर. 2,967 into 86. 6 7s are 42. 2 here, 4 carry.
6 6 36 plus 4 40 4 carry. 6 9 are 54 plus 4 58 6 2 are 12 plus 5 17. In next line we will put a cross here. 8 7 are 56 6 here 5 carry. 8 6 are 48 plus 5 53 3 here 5 carry. You have to always circle the carries, right? 8 times are 72, 72 plus 5, 77. 8 2 are 16, 16 plus 7, 23. Right? So let's add these. 2,55,162. So this is the answer. So how many bags are needed to build these many rooms? 2,55,162. It means 2,55,162 bags of sand are needed to build these many rooms. So these are some of the situations जो हमें देखनी होती हैं, right? So okay, so I hope you have understood all the situations like this. There could be many situations. Just we have to read and see that one का दिया हुआ है, more का निकालना है. There would be multiply, divide. So keep in mind these small things and do the questions nicely. That's all from my side. Thank you.